तो आज का जो पोयम है द टेल ऑफ मेलन सिटी, इसको लिखा है विक्रम सेठ जी ने। मेलन का मतलब होता है खरबूजा और टेल मतलब, जैसा कि आपको पता है, स्टोरी। फॉलोइंग पोयम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1981। ये पोयम मैपिंग से लिया गया है, मैपिंग एक बुक का नाम है। ये बुक 1981 में पब्लिश हुआ था एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोयम्स बाई विक्रम सेठ। और विक्रम सेठ जी का एक बुक है कलेक्टेड पोयम्स, उसमें भी ये पोयम को शामिल किया गया था। तो लिखा हुआ है द किंग इन दिस पोयम इज जस्ट एंड प्लेसिड। ये पोयम में जो किंग है वो काफ़ी जस्ट मतलब जस्टिस करने वाला है, न्याय इसको पसंद है, न्याय करता है ये। एंड प्लेसिड मतलब काम, शांत दिमाग का है। डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार। तो हम लोग से पूछा गया है कि देखा जाए कि क्या वो अपना न्याय करने का चक्कर में कुछ ज़्यादा ही आगे तो नहीं चला गया। तो देखते हैं पोयम में क्या हो रहा है। आफ्टर एदरीश शाह, इसका मतलब है ये पोयम डेडिकेट किया है एदरीश शाह को, ठीक है। तो पोयम ऐसा है, इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। तो नरेटर बोल रहे हैं कि उस सिटी के बारे में जिसके बारे में हम बता रहे हैं, देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, एक राजा था जिसका दो क्वालिटी था, एक तो था जस्ट मतलब जस्टिस पसंद था उसको, एंड प्लेसिड मतलब काम था, वो शांत स्वभाव का था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो किंग ने एक दिन आदेश दे दिया कि एक आर्च बनाया जाए। आर्च समझते हो, ऊपर में दो ठो पिलर रहेगा, ऊपर में कर्व शेप का रहेगा, जैसे कि इंडिया गेट का देखे हो अंदर से वो कर्व शेप, उसको वैसा स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्च, ठीक है। तो किंग ने बोला कि एक आर्च बनाया जाए डैट ट्रायम्फली वुड स्पैन द मेजर थोरोफेयर। थोरोफेयर मतलब रोड, ठीक है। तो बोलते हैं कि वो आर्च जो वहाँ का मेन रोड था, वो मेन रोड में बनाया जाएगा। टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स देयर्स, एडिफाई मतलब इंस्ट्रक्ट। किंग वहाँ पर मीटिंग वूटिंग करेंगे तो वहाँ पर खड़ा होकर भाषण देंगे लोगों को उस आर्च से। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग। तो आदेश दिया गया तो वर्कमैन लोग आया, काम करने वाला लोग, और बना दिया आर्च किंग के लिए। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। उन लोगों ने आर्च बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि वो उसको बनाने के लिए किसने कहा था, किंग ने, किंग का आदेश मानना था। द किंग रोड डाउन द थोरोफेयर। रोड मतलब घोड़े पर चढ़ के जा रहा था, वो घोड़े पर चढ़ के आया वो रास्ते से। टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स देयर्स, और वहाँ पर लोगों को भाषण देने के लिए आया वो। तो फिगर में भी देखने को मिल रहा है किंग है वहाँ पर और बहुत सारे लोग खड़े हैं। लिखा हुआ है अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन। तो किंग जब उस आर्च से गुजरा ना, तो उसका जो क्राउन था, ताज, वो मुकुट, वो उसे टकरा के नीचे गिर गया, ठीक है। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो, और गिरने का कारण क्या था, वो आर्च का हाइट उतना ज़्यादा नहीं था, वो काफ़ी नीचे बन गया था। अ फ्राउन, फ्राउन समझते हो, फ्राउन एक्सप्रेशन, वो मतलब गुस्सा से जब कोई दिखता है तो ऐसा फ्राउनिंग एक्सप्रेशन आ जाता है। अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, उसका फेस जो पहले काफ़ी शांत था, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। द किंग सेड, और किंग बोला, दिस इज अ डिसग्रेस, ये तो काफ़ी शर्म का बात है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, बोला कि जो बनाया है उसका चीफ जो है उसको हैंग किया जाएगा। तो ये चीफ ऑफ बिल्डर्स को अंडरलाइन कर लो, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड, तो रस्सी लाया गया और गैलोज मतलब वो स्ट्रक्चर जहाँ पे उसको फांसी चढ़ाया जाएगा, वो सब अरेंज किया गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट, और बिल्डर्स का जो चीफ था उसको बुलाया गया। ही पास द किंग ही गेव अस आउट, और वो किंग के आगे से गुजरा और जैसे ही उसको फांसी लगने वाला था वो चिल्ला के बोला, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, बोलता कि हे राजा ये तो मेरा गलती नहीं है, ये तो उन मजदूरों का गलती है। ओ सेड द किंग, तो किंग बोला अच्छा अच्छा उनका गलती है। एंड कॉल्ड अ हॉल्ट, हॉल्ट मतलब स्टॉप किया, ठीक है, बोला रुको रुको फांसी मत चढ़ाओ इसको, किसको फांसी मत चढ़ाओ, चीफ ऑफ बिल्डर, ठीक है। टू द प्रोसीडिंग्स, बोला जितना भी काम चल रहा था उसको रोका। बींग जस्ट, और चूंकि उसको जस्टिस पसंद था, एंड प्लेसिडियर नाउ, और प्लेसिडियर नाउ, और वो काफ़ी अब और भी शांत हो गया और बोला आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड, बोला कि ठीक है तुम चीफ को छोड़ दो, जितने भी वर्कमैन हैं मजदूर लोग हैं उनको बुलाओ, उन सबको फांसी पे चढ़ाएंगे आज। द वर्कमैन लुक सरप्राइज, तो वर्कमैन लोग काफ़ी चौंक गए। तो वर्कमैन को अंडरलाइन कर दो, हाँ, सबसे पहला आया था चीफ, दूसरा है वर्कमैन। एंड सेड, और वर्कमैन लोग बोले, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, बोला कि हे राजा आप एक बात समझिए कि हम लोग का गलती नहीं है, वो ईंटा ही छोटा छोटा बना था, उसलिए आर्च का साइज हाइट कम हो गया और आपका मुकुट गिर गया टकरा के।
समाउन द मैसन्स सेट द किंग, तो किंग बोलते अच्छा ये बात है तो चलो मिस्त्री लोग को बुलाओ जो ईटा बनाए थे। तो अब तीसरा आया है मैसन्स, इसको भी अंडरलाइन कर दोगे। द मैसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग, तो मैसन को बुलाया गया और वो कांपते हुए वहाँ पर खड़े हैं। अब मैसन्स लोग बोलते हैं इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड, बोला कि हमारा गलती नहीं है, अब तो आर्किटेक्ट मतलब जो प्लान बनाया है उसका इंजीनियर का उसका गलती है। अब आर्किटेक्ट को अंडरलाइन करोगे, द आर्किटेक्ट वॉज समाउंड, तो आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी का मतलब महामहिम, ठीक है, वो बोलते राजा बोलते हैं कि ठीक है आर्किटेक्ट, आई डू ऑर्डेन डेट यू शैल बी हैंग्ड, हम ये ऑर्डर देते हैं कि आपको फांसी पर चढ़ाया जाए। सेड द आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट बोल रहा है ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, मतलब कि हे राजा आप तो एक चीज़ भूल रहे हैं, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू, मतलब कि आपने ही मेरे प्लान में कुछ चेंज कर दिए थे जब हम आपको प्लान दिखाए थे, तो मेरा गलती कैसे हुआ। द किंग हर्ड दिस, तो किंग जैसे ये सुने द किंग वॉज रेड, अब किंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया एकदम, इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट ही सेड, इतना गुस्सा हो गया कि थोड़ी देर के लिए वो सोचने का शक्ति खो दिया था। बट बींग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, लेकिन वो कैसा किंग था, जस्टिस करने वाला और शांत स्वभाव का किंग था, ही सेड वो बोला दिस इज अ ट्रिकी थिंग, ये तो काफ़ी असमंजस में पड़ गए हम, आई नीड सम काउंसिल, काउंसिल मीन्स एडवाइस, बोलता है कि मुझे कुछ सलाह का जरूरत पड़ेगा। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, तो आदेश देते हैं कि मेरे पास लेके आओ सबसे वाइजेस्ट मैन, समझदार आदमी को लेके आओ उस देश का। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, तो वाइजेस्ट मैन को ढूंढा गया और लाया गया। ने मतलब एक्चुअली कैरी इट टू द रॉयल कोर्ट, बुलाया नहीं गया मतलब उसको उठा के लाया गया ऐसा लग रहा था, ढोया गया उसको वाइजेस्ट मैन को। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, वो बूढ़ा वो ना ही चल पा रहा था ना ही देख पा रहा था, सो ओल्ड एंड देयर फॉर वाइज वॉज ही, वो इतना बूढ़ा था कि ना चल पा रहा था ना देख पा रहा था, उसलिए बोला गया कि शुरू में कि उसको ढो के लाया गया और इसीलिए वो समझदार भी था। बट इन अ क्विवरिंग वॉइस ही सेड, लेकिन फिर से कांपता हुआ स्वर में वो बोला द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, बोला कि दोषी को तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। ट्रूली आर्च द आर्च इट वॉज डेड बैंक, तो सच बात तो ये है कि आपका ताज कौन गिराया है, वो आर्च गिराया है द क्राउन ऑफ, एंड इट मस्ट बी हैंग, तो उस आर्च को ही फांसी पे चढ़ाया जाए। टू द स्कैफोल्ड द आर्च वॉज लेड व्हेन सडनली अ काउंसिलर सेड, तो उस स्टेज पर स्कैफोल्ड मतलब अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे फांसी चढ़ाया जाए, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे आर्च को रख दिया गया और तभी एक काउंसिलर, काउंसिलर मतलब एक एडवाइजर या फिर मिनिस्टर, वो बोला हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली व्हाट टच्ड योर हेड योर मेजेस्टी, बोलता है कि हम लोग इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं कि वो चीज़ जो आपका सिर को छुआ छुआ है उसको कैसे फांसी पर चढ़ा सकते हैं। ट्रू म्यूज द किंग, तो बोला कि हाँ ये बात तो सच है, म्यूज मतलब थॉट, किंग सोचा। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड, और अब तक जो पूरा भीड़ वहाँ पर जमा था वो लोग अब बेचैन हो रहा है कि अरे हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है, बड़ा झमेला कर दिया है, अब वो लोग बुड़बुड़ाने लगे अपने में, बड़बड़ाने लगे। द किंग परसीव देयर मूड, तो किंग भाप लिए उनका मूड को, एंड ट्रेम्बल्ड, और वो काँप उठा कि कहीं ये लोग विद्रोह ना कर दे मेरे खिलाफ। एंड सेड टू ऑल हु वेयर असेंबल्ड, और जितने भी लोग जमा हुए थे उनको बोला लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, तो लगे चलो इस बात को छोड़ा जाए कि कौन दोषी है कौन नहीं। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, देश को हैंगिंग चाहिए मतलब किसी को तो किसी को फांसी पर चढ़ाना है, लोग यही चाहते हैं। हैंग्ड मस्ट बी समवन, तो किसी एक को चढ़ा देते हैं फांसी पे, एंड दैट इमीडिएटली, और तुरंत ही चढ़ा देते हैं। द नूज वॉज सेट अप समवट हाई, नूज समझते हो फांसी का फंदा, वो गोला रस्सी तो ठीक है, उसको थोड़ा ऊंचा टांग दिया गया। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाई एंड माई, और बाई एंड माई बोला गया कि हर एक आदमी यहाँ से गुजरे, जिसका हाइट एकदम सटीक फिट हो जाएगा उस रस्सी में उसको टांग दिया जाएगा। इलॉजिकल पॉइंट है ये तो एकदम, ठीक है। तो बट ओनली वन मैन वॉज टॉल ही फिटेड, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान उसमें फिट आया, ठीक है, वन मैन डेट वॉज ऑल, सिर्फ एक ही इंसान था, ही वॉज द किंग, और वो इंसान था वो राजा खुद, हिज मैजेस्टी वॉज देयर फॉर हैंग बाई रॉयल डिग्री, तो इसीलिए राजा को खुद ही उस फांस सूली पर चढ़ना पड़ा, और काफ़ी रॉयल डिग्री, जैसा रॉयल डिग्री बोलने का मतलब एन ऑफिशियल ऑर्डर, राजा खुद ही ऑर्डर दिए कि चलो मेरे को फांसी पर चढ़ा दो, तो चढ़ा दिया गया। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन सेड द मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर्स लोग अपने में बात करते हैं कि चलो अच्छा हुआ कोई तो मिल गया फांसी पर चढ़ने के लिए, फॉर अगर नहीं मिलता तो इफ इंस्टेड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, तो अगर वो इंसान नहीं मिला होता तो आज पता नहीं ये टाउन तो पूरा विद्रोह कर गया होता,
ठीक है, राजा का बात सुनता ही नहीं। लॉन्ग लिव द किंग, मतलब कि अमर रहे, द मिनिस्टर सेड, अमर रहे राजा, अमर रहे। लॉन्ग लिव द किंग इज डेड, चलो राजा मर गए, अमर रहे वो। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा, अब सब कोई सोच में पड़ गया। देन बींग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, तो समझदार होने के नाते सब कोई सोच में पड़ गया कि अब राजा कौन बनेगा। फिर सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, हेराल्ड्स मतलब मैसेंजर, मैसेंजर्स लोग को भेजा गया कि जाओ ये बोलो तुम लोग जाके, इन द इन हिज फॉर्मर मेजेस्टीज नेम, पहले वाले राजा के नाम पर जाओ ये आदेश दे दो कि द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, वो सिटी गेट से जो इंसान गुजरेगा सबसे पहला वही हमारा राजा चुनेगा, एज इज आवर कस्टम, जैसा कि वहाँ का रीत था। दिस विल बी इन्फोर्स विद ड्यू सेरेमनी, और वो इंसान जो बोलेगा उसको पूरा श्रद्धा के साथ लागू किया जाएगा। अ मैन पास्ड बाई द सिटी गेट, तो एक इंसान गुजरा भी उस गेट से, एन इडियट, और वो इंसान क्या था, एक इडियट था, बेवकूफ था। द गार्ड्स क्राइड, तभी गार्ड्स लोग चिल्लाते हैं कि वेट, रुको, वो इंसान को बोले रुको, हु इज टू बी द किंग, और पूछ दिए कौन होगा राजा, डिसाइड, बोला कि सोच के बोलो जल्दी से। अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड, तो इडियट क्या रिप्लाई दे दिया, अ मेलन, एक खरबूजा राजा होगा, ठीक है। दिस वॉज इज स्टैंडर्ड रिप्लाई टू ऑल क्वेश्चंस, तो वो इडियट जो था ना, वो उससे कुछ भी पूछ लो वो सिर्फ एक ही आंसर देता था, अ मेलन, तो राजा कौन होगा उसका जवाब भी क्या दे दिया, वो अ मेलन ही दे दिया, क्योंकि उसको ही लाइक्ड मेलन, उसको मेलन पसंद था। तो यू आर नाउ आवर किंग, द मिनिस्टर सेड क्राउनिंग अ मेलन, तो मेलन को ताज पहनाते हुए मिनिस्टर्स बोलते हैं कि अब आज से आप ही हमारे किंग हैं। देन दे लेड कैरीड द मेलन टू द थ्रोन एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन, और उसके बाद वो मेलन को ले जाके वो लोग गद्दी सिंहासन पर बैठा देते हैं काफ़ी इज्जत से। फिर लिखा हुआ है दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो, लेकिन ये सब कब हुआ था, बहुत सालों पहले हुआ था। When now you ask the people, और आज जब आप लोगों से पूछेंगे कि so your king appears to be a melon, how did this happen? अगर लोगों से पूछा जाए कि आपका राजा तो एक melon है, ये कैसे हो गया देश से, तो उनका कहना है कि well, on account of customary choice, if his majesty rejoices in being a melon, that's okay. बोलते हैं कि ठीक है, अगर जैसा रीत है, अगर राजा को मंजूर है, राजा को इसी में खुशी मिलता है कि वो melon के रूप में बने रहें, तो that's okay, वो ठीक है हम लोग के लिए, with us. For our, who are we to say what he should be as long as he leaves us in peace and... हम ये पूछने वाले कौन होते हैं कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं, जब तक कि he leaves us in peace and liberty, जब तक कि वो हम लोग शांति से जी रहे हैं, राजा हम लोग के कामकाज में दखल नहीं कर रहे हैं, तब तक सब ठीक है, राजा कोई भी बना रहे। द प्रिंसिपल ऑफ laissez-faire seems to be well established there. तो लेसे फेयर एक प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब कि जो चीज़ जैसे चल रहा है उसको चलने दो, कुछ छेड़छाड़ ना करो, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल से यहाँ पे काम हो रहा है और चीज़ें सब ठीक ठाक चल रही हैं। तो इसी के साथ ये स्टोरी, ये पोएम एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो ये कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियो आपको बहुत मिलेगा, और क्लास 12 का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो चैनल को लाइक कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।